बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सएप बॉलीवुड। हाल में ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाथरस केस पर अपना स्टेटमेंट दिया है। नवाज ने इसे गलत बताया है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने खुद के एक्सपीरियंस भी शेयर किए। नवाज का कहना है कि भले ही उन्होंने नाम और शोहरत कमाई, लेकिन वो भी भेदभाव का शिकार हुए थे। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से नाम और शोहरत कमा चुके एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आते हैं। उनका कहना है कि गांवों में जाति व्यवस्था काफी गहराई तक फैली हुई है। यहां तक कि फिल्मों में काम करके इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाने के बाद भी उन्होंने भेदभाव जैसी चीज फेस की है। उन्होंने हाथरस में हुई घटना को बेहद ही दुखदायी बताया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में कहा कि गांवों में जाति विभाजन एक वास्तविकता है जो कैंपेन या सोशल मीडिया के लिए इम्यूनिटी है। उन्होंने कहा, मेरे खुद के परिवार में मेरी दादी निचली जाति से थी, यहां तक कि वो आज हमें मेरी दादी की वजह से स्वीकार नहीं करते। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये बयान उस वक्त आया है जब एक यंग लड़की की यूपी के हाथरस में रेप और गहरे जख्मों के बाद मौत हो गई। इस लड़की का रेप और मौत का जिम्मेदार उच्च जाति के चार लड़कों पर लगा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आगे कहा, जो गलत है वो गलत है। हाथरस में जो हुआ उसके खिलाफ हमारा कलाकार समुदाय भी बोल रहा है। बोलना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बता दें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ट्विटर पर कहा कि लोग कहते हैं कि अब कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, लेकिन अगर वो शख्स आसपास घूमेगा तो उसे बहुत ही अलग सच्चाई पता चलेगी। उसे अपने गांव में ये देखने को मिल जाएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, ये फैक्ट है कि मैं फेमस हूँ, लेकिन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये उनके भीतर गहराई तक बसा हुआ है, ये उनके रगों में है, वो इसे अपना शान मानते हैं। शेख सिद्दीकी उच्च जाति के हैं और उनके पास उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जिन्हें वो अपने से नीचे मानते हैं। आज भी ये वहां है, ये बहुत ही मुश्किल है। क्या आप नमाज की बात से सहमत हैं? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।